मेरा नाम रणजीत सिंह है भरा साढ़े पंजाब दे विच आए असी इन्हां दा भाई तुम क्या पिला दे पले बता बहुत लोग हमें देख कर हंस रहे हैं भाई बाकी रल मिल के रहो सारे जने कोई रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है अपने को तो दोस्तों यह है चिकन सैंडविच हाँ जी तो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों सुबह के 11:45 हो रहे हैं और अभी तक हम रूम चेकआउट नहीं किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर भोजन करना है तो भोजन का बुलावा आ चुका है। रात में नरेश खत्री भाई ने भोजन के लिए पैसा पेड किया था इस होटल में होटल तारा में तो अभी यहाँ पर भोजन करेंगे फिर यहाँ से रूम चेकआउट करेंगे तो चलते हैं भोजन के लिए। ये खुला अपना गेट और ये आ गए बाहर ये अपना गली है और आप बाहर का थोड़ा व्यू देख सकते हैं हमारा भोजन देखते हैं क्या है। कल तो कुछ हद तक था लेकिन आपके लिए सरप्राइज है तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं होटल्स के जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पे आके भोजन करेंगे। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या है हमारा भोजन आज का। तो भोजन हमारा आ चुका है ये आलू का पराठा है जो कि 2 आलू का पराठा है काफ़ी मोटा है पेट तो हमारा फुल होना ही होना है और ये दही है और ये अचार है अभी एक लस्सी आना बाकी है। दोस्तों हमने भोजन कर लिया है लेकिन और हमारा एक लस्सी आ चुका है जो कि डाइजेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है तो पीते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। काफ़ी बढ़िया है मीठी लस्सी है पीते हैं फिर रूम चेकआउट करेंगे यहाँ से। तो भाई भोजन करके आ गया और रूम चेकआउट करने का टाइम है लेकिन उससे पहले आपको ये रूम्स फिर से दिखा देना चाहते हैं। दोस्तों ये था हमारा बेड डुअल बेड और ये टीवी था वो एसी था मिरर भी था सामने ऊपर पंखा भी था और ये था अपना बाथरूम स्नान करने के लिए ये था। हाँ जी दोस्तों तो चेकआउट कर रहे लेकिन चेकआउट करने से पहले यहाँ की लाइट्स बंद कर देनी चाहिए और ये रहा बाहर का व्यू वाओ फाइनली निकलने का टाइम आ गया है निकलते हैं और फिर चलते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चेकआउट कर रहे लेकिन चेकआउट करने से पहले हमें एक यहाँ भाई मिले हैं भाई जी आपका सर नाम। मेरा नाम रणजीत सिंह है भरा साढ़े पंजाब दे विच आए असी इन्हां दा मतलब जिहड़े साढ़े पंजाब नूं दिखा रहे हैं वो वधिया कर रहे ने इस टाइम साढ़े पंजाब दा पूरा मतलब पंजाब दा दर्शन दिखा रहे ने इस करके भाजी नूं बेस्ट लक पठानकोट जा रहे इन्हां नूं जी नूं साडे वल शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके सर थैंक यू सो मच चलिए फिर मिलेंगे। ओके फिर मिलेंगे। ओके बाय। ओके बाय सी यू भाजी। ओके जी बाय। तो दोस्तों चलते हैं रूम को चेकआउट करते हैं और रोड्स पे अपनी हिच हाइकिंग या पैदल की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हालांकि जाना है पठानकोट तो हमें लिफ्ट लेना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं और रोज की तरह आज भी वाईफाई की तलाश है और चलते हैं वाईफाई ढूंढते हैं और वीडियो अपलोड करना है तो वीडियोज में बने रहिए। चलते हैं होटल्स या मोबाइल शॉप कहीं भी हमें वाईफाई मिल जाए वहाँ वाईफाई से वीडियो अपलोड करेंगे तभी तो आप लोग देख पाएंगे ना। तो दोस्तों बहुत टाइम से वाईफाई का तलाश था और वो समय खत्म हुआ वाईफाई का तलाश खत्म हुआ और ये भाई साहब है। भाई जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक। दीपक जी हैं और इनका ठाकुर टेलीकॉम है होशियारपुर में इन्होंने हमें वाईफाई दिया है। थैंक यू सो मच सर आपने हमारा हेल्प किया। थैंक यू सो मच आप जैसे लोगों के कारण ही हम लोग वीडियो डाल पाते हैं और ट्रेवल कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फिर मिलेंगे सर। चलते हैं यहाँ से और अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं पठानकोट या कहीं भी हो सकता है अभी फिक्स नहीं है। हम जब भी बोलते हैं कि हमारे हम जो बोले उनको सीरियस ना ले क्योंकि हम हवाओं के साथ बह जाते हैं तो प्लीज़ हमें कोई अगर बुलाएगा तो हमें घूमना पड़ेगा है ना भाई। इसीलिए आप लोग कभी सीरियस मत लेना और हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं पठानकोट के लिए। तो दोस्तों अभी हम होशियारपुर के भीमराव अंबेडकर चौक के पास है जहाँ इनका स्टैचू बना है और इनके संविधान में देखो क्या लिखा हुआ है। आप लोग इनको जरूर फॉलो करें मेरे दोस्तों क्योंकि इसी पर अपना पूरा इंडिया। दोस्तों वाईफाई से वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग जिनसे रात में मिले थे जो भोजन करवाए थे हमें आपको उनका चेहरा याद होगा। आपको बिल्कुल ना सर इधर आइए जरा इनको आपने रात में देखा होगा सर। आपका नाम इनका नाम नरेश खत्री है मैंने रात में पूछ लिया था और इन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी थी और अभी भी हम इनके शॉप के पास है। इनका शॉप है साई फ्लैक्स होशियारपुर में सर है ना। साई फ्लैक्स होशियारपुर
और यहाँ पे इनका शॉप है सर, यहाँ पे क्या क्या काम होता है सर? पेंटिंग की आती है, फ्लेक्सर। जी 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 जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं साई बाबा का एक फोटो लगा हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम होता है। आप लोग जब इसके आसपास रहते हैं तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ काम हो तो जरूर इनके उनसे संपर्क करें। सर आपका सर फोन नंबर? सर 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 का नंबर है 93-74-73। ये मतलब पंजाबी लोग समझ गए होंगे क्या बोले हैं, पंजाबी बहुत भाषा थी। तो काफ़ी अच्छा लगा अभी सर से मिले। सर हमारे लिए मजा लेकर आए हैं और भाई ले लो। Cheers guys। पियेंगे और निकलेंगे शायद पठानकोट। दोस्तों दिस इज साई प्रिटिंग, एट लास्ट भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और ये है अपने भाई नरेश खत्री जी। चलिए भाई बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे। ओके सर, जय हिंद। तो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं पठानकोट के लिए। मे भी किधर भी जा सकते हैं जैसे कि हम आपको हर बार कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें अभी एक लिफ्ट मिला है डंडा बाईपास के लिए। भाई है भाई, आपका शुभ नाम? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी है और इन्होंने लिफ्ट दिया है डंडा बाईपास तक का। वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे पठानकोट के लिए। आपका शुभ नाम क्या है भाई जी? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी है और इन्होंने हमें खुद से लिफ्ट दिया, मतलब कि खुद से हमने लिफ्ट नहीं मांगा। भाई भाई का दिल इतना अच्छा है। और भाई आप कहाँ से हैं? अच्छा आ चुकी है माइंड को एक अलग सी रिलैक्स फील कराती है ये चीज। तो दोस्तों ये 10वां रोड है नौलैया चौके होशियारपुर और अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे थे पठानकोट के लिए और हमें रास्ते में एक भाई मिले हैं। इन भाई को पहले बोला भाई पानी पिलाओ, पानी इन्होंने पिलाया, उसके बाद एक गन्ने का जूस पिलाया इन्होंने। सर आपका नाम क्या है? गगनू पासवान जी हैं और ये बिहारी जिला बिहार में है। सबसे बड़ी बात है ये बिहार से, हमारे बिहार से भाई मिल के खुशी हुआ भाई से। गगनू पासवान, गगनू पासवान जी हैं। अगर आप बिहार से देख रहे थे कि भाई बिहार के हमारे एक भाई मिले हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिल के इनसे। जय हिंद, जय हिंद। इनका यहाँ पे शॉप है, ये इनका यहाँ पर गन्ने का दुकान है, गन्ने का रेरी लगाते हैं ये और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। आप जब भी इस रास्ते से आएँ तो इनका हेल्प मदद जरूर करें, मतलब पैसे देकर नहीं, बस इनका गन्ने का जूस जरूर पिए आप लोग तो इनका अपने आप हेल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे भाई भाई तुम क्या पिला रहे हो पहले बताओ। बोल रहा जो मन करे वो पी लो। चलो गगनू पासवान जी हैं, इन्होंने हमें ये गन्ने का जूस दिया है अपने मन से भाई। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच। पुदीना डाला हुआ है, पुदीना बहुत अच्छा लगता है, ठंडा है, दिमाग को ठंडा कर देने वाला शरबत गन्ने का जूस। तो दोस्तों फाइनली भाई से मजाक थोड़ा कर रहे थे और भाई आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण भाई का नाम है और भाई ने फाइनली दिया ये। भाई कितने का ये, इतना कितने का प्राइस है इसका? 60 रुपये। ओ भाई 60 रुपये, भाई 60 रुपये का एक है, हमें और इंदिरा भाई को भी मिल चुका है ये। हाँ जी। तो भाई आप इस देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एकता मनाता रखो, भारत देश बहुत बढ़िया देखेगा, सब सबकी हेल्प करो, मिलजुल के रहो। तो भाई इनके मैसेज को ध्यान जरूर देना भाई और बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे हैं भाई, यानी कि हम दोनों भाई को मिलाकर 120 रुपये का हो जाता है भाई। यार भाई का दिल भरा यार कसम से भाई, थैंक यू सो मच यार। और फिर भाई हो कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से, राजस्थान से भाई, राजस्थान का ये प्यार है। तो दोस्तों अब से हमारी सोलो ट्रेवलिंग स्टार्ट हो चुकी है और भाई अब यहाँ से जाएंगे। हाँ जी। अकेले और हम भी अकेले, चलिए यहाँ से अब अकेला ही वीडियो आपको दिखेगा हमारा। ये लास्ट वीडियो है सोलो, ये लास्ट है और ये लास्ट मोमेंट है, इसके बाद कोई क्लिप नहीं दिखने वाली है। तो गाइस इंदिरा द ब्लॉगर को भी चेक जरूर 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 भाई, मोस्ट। और दोनों को चैनल में अब सेपरेट सेपरेट सोलो वीडियो आएंगी, कुछ भी सेम नहीं होगा, कुछ मतलब एक सेकंड का भी नहीं कुछ होगा। बिल्कुल। और इससे पहले हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें हमें उससे हमने सब बातें कह दी है, क्यों हम लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है कारण, क्या हुआ। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखना, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया यार। फाइनली अब से हमारी सोलो ट्रेवलिंग स्टार्ट। देख लो इंदिरा भाई कहीं भी नहीं दिख रहे हैं,
चारों बगल देख लो आप लोग। और लिफ्ट मांगना स्टार्ट पठानकोट के लिए, देखते हैं आज कहां तक पहुंच पाते हैं। गाड़ियां बहुत कम चल रही है, लिफ्ट मिलने के बाद आपको दिखाते हैं किसने हमें लिफ्ट दिया है। हमें पहला लिफ्ट मिला है। ये सर है, सर आपका शुभ नाम? सतनाम। सतनाम, सतनाम है। और मणि जी हैं जो गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हैं अभी और वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छा लगा इनसे मिलकर। और अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं पठानकोट के लिए। सर आप लोग कितना दूर जा रहे हैं इस रोड पर? 15 किलोमीटर की लिफ्ट हमें मिली है। फाइनली भाई ने लिफ्ट दिया था, उसके बाद अभी पंजाब का एक एरिया है हरियाणा, इसको हरियाणा ही बोलते हैं शायद, अभी वहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद अभी हमारी यात्रा पठानकोट के लिए जाएगी, लेकिन शायद हम आज पठानकोट नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ से अप्रोक्स 70 किलोमीटर है वो, तो बीच में कोई एरिया है वहाँ जाएंगे। अभी आपको अपडेट करते हैं थोड़ी देर में, लिफ्ट लेते हैं पहले। दोस्तों अभी रोड पर ही हाइकिंग कर रहे थे, लिफ्ट मांग रहे थे, अभी भाई ने लिफ्ट दिया है। भाई आपका नाम क्या है? गलमीत। गलमीत भाई हैं। और भाई कितने किलोमीटर जा रहे हैं आप? कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर जा रहे हैं और हमें लिफ्ट किस चीज़ पे मिला मैं आपको दिखाता हूँ ये, और आगे दिखाता हूँ। भाई ने लिफ्ट दिया इस टमटम में। भाई फर्स्ट टाइम इसमें बैठे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस एक यात्रा ही करा सकता है हमें। आपको फिर से दिखाता हूँ बहुत लोग हमें देख कर हंस रहे हैं भाई। दोस्तों टमटम से लिफ्ट लेकर, वो घोड़ा गाड़ी था उससे लिफ्ट लेकर जस्ट उतरे थे, करीब 5 मिनट रुकना पड़ा होगा। और ये सर मिले हैं। सर आपका शुभ नाम? प्रदीप। प्रदीप कुमार जी हैं। और आप कहाँ से हैं सर? मैं गर्दीवाला से। गर्दीवाला से हैं। और इन्होंने हमें लिफ्ट दिया है। कितना किलोमीटर सर? अभी हम जाएंगे 20 किलोमीटर। इस रोड पर 20 किलोमीटर सर, तो यानी कि इस रोड पे ये रोड पठानकोट का ही रोड है ना सर? यानी कि पठानकोट के रोड पर हमें 20 किलोमीटर का लिफ्ट मिला, यानी कि 20 किलोमीटर और हमारा कम हो चुका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम ऐसे ही रास्ते में सफ़र कर रहे थे और हमें एक भाई मिले हैं। भाई ने हमें बोला कि आप किस चीज़ के थक रहे, हमने उनको अपना मैसेज सुनाया, अपनी मकसद सुनाई, तो वो बोले कि चलो अभी मैं भोजन आपको मैं करवाता हूँ। ये होटल, अभी होटल के पास आए हैं और भाई से बात करते हैं क्या उन्होंने सोचा हमारे बारे में, तो हमारी क्यों हमारी वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। और भूख तो लगा नहीं है, थोड़ा बहुत भोजन कर लेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। सर आगे है दसुआ, दसुआ में गुरुद्वारा भी हैं, होटल भी हैं, सब कुछ है वहाँ पर, तो वहाँ में हमें वहाँ हमारे रहने का सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों यात्रा करते करते मिस्टर बर्गर हट पहुँच चुके हैं जो कि है गर्दीवाला में पंजाब। और यहाँ हमें एक भाई मिले थे जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया था। ये भाई हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दिया था। भाई जी आपका नाम? हैप्पी भारद्वाज जी हैं। और आपका भाई नाम? सारथ मोदी। भाई ने यहाँ लेके आया, बोला चलो आज आपको मेरे तरफ से कुछ खाना होगा। भाई ने, भाई अभी हम लोग को खाना खिला रहे हैं, हालांकि भूख तो बहुत कम लगी है लेकिन खा रहे थे, भाई पे इतना प्यार है। और थैंक यू सो मच भाई, आप इस देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे भाई? सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। मैं जी साढ़े मुफ्त यात्री आए हैं इतने यूट्यूबर पर जी, आप देख सकते हो लोगो, पहला लाइक कमेंट शेयर तो सबसक्राइब करो, तो बाकी रल मिल के रहो सारे जने, कोई चक्कर नहीं, सब एको ही जिदा हम मुंडे बैठे है पिछले आप भी रल मिल के रहीदा है, कोई रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है अपने को, सब एको आ, तो बाकी रल मिल के रहो, खुश रहो सारे जने, तो हारते बसते रहो, बस यही कुछ है जी। सत श्रीकाल जी। और आप भाई जी आपका भी भरावा एक ही काम, आप घूमते फिरते भाई सानू मिल गया तो आप ले हाँ, जी जिन्हें जरूरत आ बी वो हेल्प भी करो, ये नहीं कि बंदा देख के हेल्प करो ना, ये नहीं कि हर एक की करो, जिन्हें जरूरत हेल्प करो, बस आप इन्ना की कहना चाहते हैं। थैंक यू। और भाई से मेरे काफ़ी चला, थैंक यू सो मच इन भाइयों को, क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा है, पैसों से अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, दिल से अमीर होने की ज़रूरत है, तभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। हम जो है ना भारत के इंसानियत के लेवल को बढ़ाने के लिए मिले हैं और आप इंसान को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, सत श्रीकाल भाई जी, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। ये मिस्टर बर्गर हट है, आप लोग इनका 360 देख सकते हैं, खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। दस यू है, दस यू दसुआ
दसुआ तो दोस्तों यह है चिकन सैंडविच और यहाँ पर एक माजा का बॉटल्स है और पियेंगे और भाई जी आप भी खा लें ठीक है थोड़ा सा खाते हैं फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं रोड पे हिच हाइकिंग करते हुए हमें जाना है दशुयू। तो दोस्तों मिस्टर बर्गर हट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। ये हमारे भाई हैं जो हमें यहाँ तक छोड़ रहे थे और ये भाई हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, ये मिस्टर बर्गर हट के ऑनर है। भाई जी आपके पास क्या क्या सुविधा है, क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं? वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। हाँ जी, जो अपने स्नैक्स वगैरह है तो दोनों वेज और नॉन वेज दोनों होता है, तो आप विजिट करो। अच्छा, तो सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ पे। इस जगह का नाम भाई? हमारी यहाँ के जगह का नाम है गर्दीवाला है हमारी शॉप पे, रेस्टोरेंट हमारा। अच्छा चलिए भाई, फाइनली भाई को अलविदा कहने का टाइम हो गया भाई। सत श्रीकाल भाई, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और भाई मिले हैं, भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह जी हैं और इन्होंने हमें काफ़ी अप्रिसिएट किया, काफ़ी अच्छा लगा भाई के साथ। भाई थैंक यू सो मच, आपने हमसे बुला के पूछा, हम चाहते कि हमें लोग बुला के पूछे और हमसे बात करें, आपने बात किया हमें काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक गर्दीवाला में है और हमें पहुँचना है नाम भूल रहे भाई, यहाँ ऐसा नाम है भाई, नाम भूल जाते हैं यार एक मिनट यार, आगे कौन सा जगह है उनका नाम भूल गए हैं। दसुआ जाना है हमें, चलते हैं और आगे से लिफ्ट मांगेंगे, हिच हाइकिंग करेंगे, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। भाई दसुआ याद रखना, हमें दसुआ भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। और ये है गर्दनी वाला, ऐसा कुछ नाम है भाई, बार बार गूगल में देखना पड़ता है और भूल जाते हैं। लेट्स गो गाइज। इंदिरा भाई हमारे साथ नहीं है यार कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैंने ऐसा किया है, आप लोग बोलते थे कंटेंट सेम हो जाता है पर कोई नहीं, हमें तो सोलो ट्रेवलिंग की आदत है, हम चाहते हैं इंदिरा भाई की सोलो ट्रेवलिंग बहुत अच्छी हो और हमसे जितना हो सकता है उतना हम उनका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर उन पर कोई बात आ गई क्या बोले भाई जी बताइए, कहाँ जा रहे हो? अभी रास्ते पे चल रहे थे और भाई बोले कहाँ जा रहे हो। भाई आपका नाम क्या है? संजय भाई। संजय भाई आपके पूरा फैमिली है यहाँ पे? ये इनका पूरा फैमिली है, ये रोड पर ही रहते हैं भाई। भाई आपसे मिलकर काफी जगह हम लोग भारत यात्रा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक जाओगे? अभी पूरा भारत जाएंगे। ये इनका छोटा सा बच्चा है, देखो ये कितना क्यूट है, सब बोलो हाय। हाय बोल बेटा, हाथ इधर, हाय शर्मा रही है। चलिए भैया जी फिर मिलेंगे, सेवा नहीं। अरे आपका दिल भरा, आपने पूछा हमें काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप मिलाइए। चलिए भाई फिर मिलेंगे, बाय। तो भाई ऐसे होता है भाई, अभी देखो यहाँ पर भाई है और रास्ते पे चल रहे थे, बोले भाई भाई भाई, हाथ दिलाया मैंने उनको, भाई मैंने भाई से मिला, काफी अच्छा लगा भाई, ऐसे ऐसे दिलदार लोग मिलते थे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग यात्रा करो और दिल से करो भाई, यात्रा आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, और ऐसे ऐसे लोग आपको क्या क्या सिखाएंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, इसलिए यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, यात्रा हमें बहुत आगे तक ले जाती है। चलते हैं, हमारा स्टॉप है दसुआ। दोस्तों गर्दीवाला के पास ये भाई हमें मिले थे, लिफ्ट मांग रहे थे हम, और भाई जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार। पंकज कुमार जी हैं और आप हैं कहाँ से भाई? मैं विलेज कालरा से हूँ, गर्दीवाला के आसपास। अच्छा, तो भाई यहाँ पर ड्यूटी करते हैं दसुआ, ये दसुआ है ना, भाई ने दसुआ छोड़ दिया है और यहाँ पे होटल्स में जाके हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। भाई ने लिफ्ट किया करीब 15 किलोमीटर का। ओके भाई, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे भाई। तो दोस्तों हमने इन होटल में ट्राई किया, ये होटल अभी बन ही रहा है, हमने इनमें ट्राई किया, यहाँ ऑनर नहीं है, मैनेजर है, तो उन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो मैनेजर ऑनर ने कॉल नहीं उठाया, तो बोले सॉरी सर आई एम हेल्पलेस, हमें उन्होंने बोला तो ठीक है आगे ट्राई करते हैं। आगे है गुरुद्वारा, तो वहाँ जाके हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं हमारी क्या कुछ वहाँ हेल्प हो पाती है। हमें विश्वास है गुरुद्वारा में हेल्प हो ही जाएगा, क्योंकि गुरुद्वारा हम जैसे ट्रेवलर्स के लिए एक वरदान है। तो दोस्तों अभी हमें दसुआ में, और दसुआ में हमें यहाँ पर एक गुरुद्वारा मिला, हालांकि हमने एक होटल में ट्राई किया था, आपने देखा होगा। उसके बाद हमें गुरुद्वारा में सजेस्ट किया गया होटल के द्वारा, इन गुरुद्वारा का नाम है टक्कर साहिब गुरुद्वारा। अभी हम जस्ट स्नान किए हैं तो
अकेले हैं, सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी होगी, मतलब स्वयं करनी होगी। तो भाई यहाँ पर अपने, तो भाई यहाँ पर हमने अपना सामान रख दिया और यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा था और हम स्नान किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्नान किए, सामान लेते हैं, चलते हैं हॉल में। हालांकि यहाँ रूम है नहीं, तो उन्होंने हमें रूम नहीं दिया, हॉल है तो हॉल में सोएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। हालांकि हॉल में थोड़ा खतरा रहता है, वो जान का खतरा नहीं, वो खतरा रहता है भाई, बैग कुछ चोरी ना हो जाए सामान वामान। तो भाई धार्मिक जगहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए भाई। तो आप लोग गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओ तो सावधान जरूर रहो, अपने सामान की रक्षा स्वयं करो, ठीक है। तो चलते हैं, सोते हैं, फिर सुबह निकलेंगे पठानकोट के लिए। तो वीडियो में बने रहो भाई, अभी लंगर भी चलेगा तो लंगर भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, भूख तो भाई है ही नहीं। तो दोस्तों टक्कर साहिब गुरुद्वारा में हमने लंगर भी चख लिया है, और चखने का मतलब भोजन करना होता है। तो लंगर चख लिया है, अब आ गया है सोने का टाइम। तो आपको दिखाते हैं बेड, हालांकि ये हॉल है, हॉल में हमें सोना है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ हमारा सेटअप हुआ है। दोस्तों ये है दरी अपना, और ये अपना बेड हमने यहाँ पर लगाया है, और यहाँ पर हमारा बैग है भारत यात्रा वाला, और ऊपर पंखा है, और कई लोग यहाँ पर सोए हुए भी हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी सोते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस टाइप के ट्रैवल ब्लॉग्स देखना आपको पसंद हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पहुँच जाए और आप देख पाएँ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।